हाई एवरी वन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर कॉलिंग. दिस इज लवली एंड हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली. छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली के लिए स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रमन सिंह को. और यहाँ के सी एम कौन है? विष्णु देव साई. सेकेंड है, हाउ मेनी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैज़ द यूपी गवर्नमेंट अप्रूव टू ओपन इन द स्टेट. यूपी गवर्नमेंट ने कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने के लिए यूपी में अप्रूवल दिया है? 57. यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ. नेक्स्ट है, विद होम हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर. किसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक लोन एग्रीमेंट फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर? तो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक. फोर्थ है, इंडियन नेवी हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच IIT फॉर ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ज्वाइंट रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किस IIT के साथ इंडियन नेवी ने एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो है IIT कानपुर. IIT कानपुर एंड इंडियन नेवी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है. फिफ्थ है, विच स्टेट बॉर्न द मोस्ट मेडल्स इन द फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स. पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मेडल जीतने वाला कौन सा स्टेट है? हरियाणा. कितने मेडल मिले हैं? 105 मेडल्स मिले हैं. उसमें से 40 गोल्ड है, 39 सिल्वर है और 26 ब्रॉन्ज मेडल. सिक्स्थ है, विच टीम बाउट पैट क्यूमिनस हु बिकेम द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री. तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर IPL हिस्ट्री में कौन सा है, जिन्हें क्या मिला है? पैट क्यूमिनस. तो आंसर हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद. Recently, India has started its first winter scientific expedition in which area? किस क्षेत्र में पहला winter scientific expedition India start करेगा? तो ये है Arctic region में. Arctic region में पहला winter science expedition India start कर रहा है. When is International Human Solidarity Day celebrated every year? हर साल International Human Solidarity Day कब मनाया जाता है? 20 ऑफ दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है. और इस दिन पीपल रिजॉल्व टू अडॉप्ट मेथड किस चीज़ के लिए? ताकि एलिमिनेट कर सके पॉवर्टी को, गरीबी को खत्म कर सके, हंगर एंड डिजीज को, इन सभी चीज़ों को एलिमिनेट कर सके. एंड 20 दिसंबर 2002 को UN ने इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड सॉलिडेटरी फंड. हाउ मेनी पीपल विल बी ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो दो लोगों को किया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ अनाउंस्ड द नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2023. एंड ये अवार्ड कहाँ दिया जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी 2024 को. एंड ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दो लोगों को मिला. विच बैंक हैज रिसेंटली रेज्ड रुपीज 7,425 करोड़ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के तहत 7,425 करोड़ किस बैंक ने रेज किया? तो HDFC बैंक ने किया. 11th है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हु हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द थर्ड टाइम. तीसरी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने वाले इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी. ये तीसरी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने वाले हैं. कहाँ के हैं? इजिप्ट के प्रेसिडेंट. 12th है, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड भूटान्स प्रेस्टीजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल. तो ये भूटान का ऑनर है, प्रेस्टीजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल किसे मिलेगा? पूनम खेत्रापाल सिंह. 13th है, हु लॉन्च द नेशनल जियोलॉजिकल डेटा रिपोजिटरी पोर्टल.
कौन लॉन्च करेगा नेशनल जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, तो ये हो जाएगा प्रहलाद जोशी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि जैसे ही नई वीडियो मिलती है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।